हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं सारिका, सारिका ब्लॉग में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, मैंने जितिया का पारण के दिन कद्दू का सब्जी बनाया फ्रेंड्स, वो भी गुड़ डाल के, तो उसी का रेसिपी मैं शेयर करने जा रही हूं। तो आइए बताती हूं मैं कैसे बना रही हूं। पारण के दिन कद्दू का सब्जी बनाते हैं, इसको मतलब सब जगह कद्दू बोला जाता है, हम लोग बिहार में इसको कोहरा बोलते हैं। तो मैं उसी का सब्जी बनाने जा रही हूं। आधा के जी कद्दू था फ्रेंड्स, और अब मैं इसको अच्छे से छील ले रही हूँ। अगर ग्रीन वाला, ये जैसे ये जो पोर्शन है एकदम ग्रीन है, तो उसको आप नहीं भी छील सकते हैं, बिना छीले भी बना सकते हैं, लेकिन ये ग्रीन नहीं है, इसको मैं छील लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कैसे बनाना। इस तरह से अगर छोटा छोटा करके आप छीलिएगा ना ऐसे, तो इजी आसानी से छीला जाता है। ठीक है, ऐसे इस तरह से ये देखिए फ्रेंड्स, सारे कद्दू को हमने छील लिया है। इस तरह से छील के अच्छे से वॉश कर लिया है, धो लिया है। अब इसको मैं छोटा छोटा टुकड़ा कर रही हूँ, इस तरह से इतना बड़ा बड़ा, ये देखिए इस तरह से इतना बड़ा बड़ा मैं इसका टुकड़ा कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मेरा वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बहुत जल्दी बनकर ये तैयार हो जाता है, कहीं स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो। और कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल मेरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पर लाइक कॉमेंट कीजिएगा। और आप लोग कैसे बनाते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस। मैं तो जो जैसे बना रही हूँ, मेरे घर में जैसे बनता है, मैं उसका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो दिखाती हूँ मैं सारे काट कर। ये सारे कद्दू को हमने काट लिया है फ्रेंड्स। और इधर मेरा कढ़ाई गर्म करने के लिए मैंने पहले ही चढ़ा दिया था, देख रहे होंगे मेरा कढ़ाई गर्म हो गया है। मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ फ्रेंड्स। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 5 फोरन, एक टुकड़ा लाल मिर्च का डाला है, एक तेज़पत्ता डाल रही हूँ। बहुत सिंपल तरीके से सब्जी बना रही हूँ फ्रेंड्स, एक बार आप भी इस तरह से बना के देखिएगा, कोई झंझट नहीं ना। ये ऐसा है कि बहुत तेल वाली सब्जी है, नहीं मसालेदार है। ये देखिए मेरा फोरन जो है अच्छे से चटक गया है। अब मैं इसमें ये जो कद्दू काट के रखी थी उसको डाल दे रही हूँ। ये देखिए हमने सारे कद्दू को डाल दिया है, अब इसको चला देती हूँ। ये हम लोग के यहाँ बिहार में फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ का जैसे पूजा होता है ना, तो उसमें ज़रूर बनता है, या फिर कोई भी पर्व हुआ उसका पारण जो होता है, मतलब नेक्स्ट डे, उसमें भी बनता है, शुभ माना जाता है। इसलिए हम लोग आज जितिया का पारण था, तो आज मैं बना रही हूँ। और मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, और थोड़ी देर इसको इसी तरह से भून ले रही हूँ, तो थोड़ी देर ढक के छोड़ दे रही हूँ फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट, फिर दिखाती हूँ आगे वीडियो में। फ्रेंड्स, मेरा कद्दू लगभग गल गया है, बीच में मैंने 2-3 बार चला दिया था। ये देखिए इस तरह से हो गया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़, ये गुड़ डाल रही हूँ। आपको अगर मीठा पसंद कम है तो कम भी डाल सकते हैं। अब इसको डाल के, इसमें अभी मैंने कोई मसाला नहीं डाला है, अभी ही थोड़ा सा मसाला डाल देती हूँ, ज़्यादा मसाला मैं इसमें नहीं डालती हूँ फ्रेंड्स। हल्का सा जीरा पाउडर डाल रही हूँ, बस गोल मिर्च पाउडर, और कुछ नहीं डाल रही हूँ। इसको इस तरह से मिक्स कर दिया मैंने, और थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दे रही हूँ, ताकि ये जो हमने गुड़ डाला है वो अच्छे से गल जाए इसमें। ये फ्रेंड्स, मेरा सब्जी अब कद्दू का बन के लगभग तैयार हो गया है। हमने जो गुड़ डाला था अच्छे से, ये देखिए इसमें पिघल गया है, बस थोड़ा सा ये सूख जाएगा और सब्जी मेरा बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। तो कैसा लगा मेरा सब्जी बनाने का तरीका फ्रेंड्स, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा कद्दू का सब्जी बनकर तैयार हो गया है। और कैसा लगा मेरा वीडियो फ्रेंड्स, लाइक कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।